खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में बड़ा बयान दिया। डोटासरा बोले, हमारी सरकार की आखिरी बजट में वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक मंजूरी के बाद जो काम अटका हुआ था उसे बीजेपी पूरा करा दे तो हम विश्वास हो जाएगा कि इन्होंने कुछ किया है, लेकिन मुझे सारे के पूरा होने की उम्मीद कम है, क्योंकि प्रदेश की नई सरकार ने पिछले 7 महीने में समीक्षा के नाम पर सिर्फ हमारी विकासकारी बजट योजनाओं को रोकने का काम किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अंतरिम बजट में एक भी घोषणा पर काम नहीं किया, बल्कि हमारे सभी कार्य और योजनाओं को रोक दिया। 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में फंसे कांग्रेस नेता और प्रवक्ता मनीष मेवाड़ा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। मंगलवार को मनीष मेवाड़ा को लेकर गुजरात की मेहसाणा पुलिस बूंदी पहुंची, जहां कांग्रेस नेता की निशानदेही पर आरोपियों के घर पर दबिश दी गई। मेहसाणा की साइबर पुलिस ने शहर से करीब 4 युवक को साइबर फ्रॉड मामले में हिरासत में लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ द्वारा आज भ्रष्टाचार मुक्त समाज विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में एसीबी हनुमानगढ़ के डीएसपी नरेश गेरा ने विद्यार्थियों को एसीबी के कार्य प्रणाली से अवगत करवाया और कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है, इसलिए विद्यार्थियों को संकल्प लेना चाहिए कि वो भविष्य में कभी ना तो रिश्वत लेंगे और ना देंगे। इस मौके पर एसीबी हेल्पलाइन के संबंधित पोस्टर भी विद्यार्थियों को वितरित किए गए। हनुमानगढ़ ग्राम पंचायत 2 के एनजी में खेल मैदान के लिए जगह आवंटित कराने की मांग के संबंध में गांव के खिलाड़ियों ने आज सरपंच प्रतिनिधि रतन धावल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंच प्रतिनिधि रतन धावल के अनुसार ग्राम पंचायत 2 के एनजी में कोई भी खेल मैदान नहीं है, इस कारण गाँव के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में 4 बीघा जमीन पड़ी है, उसकी जगह खेल मैदान विकसित किया जा सकता है। दिल्ली एक्साइज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। विशेष न्यायाधीश जस्टिस कावेरी बजाज ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया है। पूरे देश भर में नीट का मुद्दा छाया हुआ है। परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां और छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर NSU, IISER और समाजवादी छात्र विंग के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नीट में धांधली को लेकर कांग्रेस यूथ ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद सोमवार को अलग अलग पार्टी के छात्र संगठनों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। देश भर में आज यानी 9 जुलाई से पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक आज राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर है। हाथरस हादसे के मामले में SIT की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री OP राजभर ने कहा, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई, अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख कर दे दे कि वो किस जांच एजेंसी से जांच करवाना चाहता है। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी, जो जांच रिपोर्ट आएगी उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के मचेड़ी इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया। यह इलाका भारतीय सेना की नवी कोर के अंतर्गत आता है। आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। कठुआ आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि आतंकवादी हमला लगातार बढ़ रहा है। संसद में सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालत सामान्य है, लेकिन अगर हमारे जवान आतंकी हमले में अपनी जान गंवा रहे हैं तो सरकार को सफाई देनी होगी। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।